यूं तो लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में मीडिया को संविधान का 14 स्तंभ माना जाता है, लेकिन क्या कोई जानता है कि देश के पूर्वोत्तर में मीडिया की स्थिति वैसी नहीं है जैसे कि देखने को मिलती है। हाल ही में पत्रकारिता दिवस पर आए आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो बीते 30 साल में पूर्वोत्तर के 31 पत्रकारों का बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल हो चुका है, जिसमें से 24 असम, 6 मणिपुर और 1 त्रिपुरा का पत्रकार शामिल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में जनसंचार विभाग की ओर से करवाए गए राष्ट्रीय सेमिनार में पहुंचे असम के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप कुमार ने ये खुलासा कर सबको चौंका दिया है। दिलीप कुमार ने बताया कि पूर्व में नागालैंड सरकार ने NSEN आतंकी संगठन को टैक्स पे किया था, जिस पर बकायदा अदालतों द्वारा संज्ञान लिया गया था और ये मामला आज भी विचाराधीन है। इसके साथ मणिपुर में कर्मचारियों के वेतन से 15% राशि काटकर उग्रवादी संगठनों को देने की बात भी कही। दिलीप कुमार ने कहा कि पूर्वोत्तर में आज भी पत्रकार और पत्रकारिता सुरक्षित नहीं है। उनका कहना है कि जब तक इन इलाकों में हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक स्थिति यूं ही देखने को मिलेगी। बेशर्ते उन्होंने मुश्किल हालातों में भी हिंदी पत्रकारिता को ही चुना और आज भी उसके जरिए ही वहां के हालातों को देश दुनिया में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में मुश्किल हालातों में भी हिंदी पत्रकारिता करने और युवाओं को इसके प्रति जागरूक करने के लिए वो आज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर भी निजी तौर पर प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि आज उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कोर्ट मेंबर बनाया है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुए राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में युवाओं को हिंदी पत्रकारिता के लिए प्रेरित करने और उनको जागरूक करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। मेरा नाम दिलीप कुमार, मैं सिलचर असम का रहने वाला हूं और वहां से एक दैनिक समाचार पत्र हिंदी का प्रेरणा भारती प्रकाशित करता हूं और यहां हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने मुझे कोर्ट मेंबर के रूप में मनोनीत किया। पिछले कल में कोर्ट की मीटिंग थी, उसके लिए मैं आया था। यहां के जनसंचार विभाग ने मुझे आज आमंत्रित किया पूर्वोत्तर में हिंदी पत्रकारिता की चुनौतियां से बोलने के लिए। मैंने जो है आज अपना विचार यहाँ पर रखा है। सर, किस तरह की चुनौतियाँ आप मानते हैं, किस तरह की चुनौतियाँ वहाँ पे पत्रकार और पत्रकारिता पर हैं आपके, मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो? नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अराष्ट्रीय गतिविधियाँ बहुत पहले जोरों पर थी। पिछले कुछ सालों में इसमें भारी कमी आई है। अब धीरे धीरे वहाँ पर राष्ट्रीय शक्तियां और जो अलगाववादी शक्तियां हैं वो कमजोर हो रही हैं और जो जितने भी उग्रवादी संगठन हैं अब उनकी कमर टूट रही है। एक प्रकार से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और चूंकि वहां पर पृथकतावादी अलगाववादी शक्तियों का वर्चस्व था, ये ऐसी स्थिति थी कि एक समय नागालैंड सरकार ने भी NSEN को टैक्स दिया था और आज भी उसका मुकदमा चल रहा है। तो मणिपुर में कर्मचारियों के वेतन से 15% राशि काट करके उग्रवादियों को दी जाती थी। इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं अब बदल रही हैं और अब उग्रवादियों के लिए मुश्किलें आ रही हैं। तो अब हिंदी एक हमारे देश के लिए एक ऐसी शक्ति है जो देश को जोड़े रह सकती है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, तो जब एक भाषा के लोग दूसरे भाषा से मिलते हैं तो संपर्क का माध्यम हिंदी ही बनती है। तो इसलिए हिंदी पत्रकारिता की जरूरत है, क्योंकि पूर्वोत्तर की समस्याओं को देश के सामने लाना होगा, वहां की जो वास्तविक समस्या क्या है और देश में जो है उसको पूर्वोत्तर के लोगों के सामने रखना, ये काम केवल हिंदी के माध्यम से ही हो सकता है। अंग्रेजी एक बहुत छोटे वर्ग की भाषा है और वो आम आदमी की भाषा नहीं है। तो आम आदमी की भाषा है हिंदी है और उसके माध्यम से देश के साथ जोड़ने का काम पूर्वोत्तर को आसानी से हो सकता है, इसीलिए पूर्वोत्तर में हिंदी पत्रकारिता फले फूले इसकी जरूरत है। सर, पिछले अगर 30 साल मैं ये मानता हूं और मैंने आज जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रेस क्लब के पहले सचिव थे, मैं उनसे मिला भी था, बात की थी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के जो प्रेस के ऑर्गेनाइजेशन है उनको जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर। और पूरे देश का मीडिया जब एक साथ जुड़ेगा तो निश्चित रूप से जो नॉर्थ ईस्ट में जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनको एक साहस मिलेगा, एक अवलंबन मिलेगा और उनको काम करने में सुविधाएं मिलेंगी। थैंक यू। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट।
लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।